हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुनीता अग्रवाल लखनऊ से हूं और एक बार फिर मैं अमूल पेज पे लाइव आई हूं अपनी रेसिपी लेकर। मैं यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूं, मटर का निमोना। जो आजकल हरे मटर आ रहे हैं उन्हीं का मैं निमोना बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी चावल या पूरी किसी के साथ दिखाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है और सबका बनाने का तरीका अपना अलग अलग है। तो चलिए आप लोग बराबर बने रहिए और मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आप लोगों को पता है कि अमूल के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं और इसी अमूल के प्रोडक्ट को ही यूज करके मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी मटर का निमोना। तो आप देखिए ये कैसे बनता है। तो इधर मैंने गैस ऑन कर देते हैं और कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर मैं सबसे पहले ये अमूल का ये जो प्योर देसी घी होता है इसका यूज करके मैं बनाऊंगी। इसे बहुत ही टेस्टी बनेगा, हमारा जो निमोना होता है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैं अमूल का घी डाल रही हूँ। घी को गर्म कर लेते हैं और फ्लेम लो रहता है। और इधर ये देखिए हमने अमूल का पनीर लिया है। पनीर को हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। देखिए पीसेज आप जैसा चाहते हो उस तरह से आप रख सकते हैं। ये देखिए पनीर को हमने कट कर लिया है पीसेज में और इधर घी भी हमारा गरम हो रहा है। चाहे तो आप इसको डीप फ्राई कर ले, चाहे तो आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से घी में इनको फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है और अब हम इन्हें डाल देते हैं। एक एक बाइट जो है वो इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपका निमोना जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्लेम को लो कर दें। देखिए ये बहुत अच्छा, आप लंच में भी बना सकते हैं इसको और चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक कप हरी मटर ली हुई थी, उसको कच्चा हरी मटर लिया हुआ था, उसको मिक्सी में डालकर उसके साथ मैंने इसको हरा धनिया मिलाकर इसका ये देखिए पेस्ट इस तरह से बनाकर तैयार कर रखा है। और यहाँ पे हमने मसाला भी तैयार कर रखा है। ये दो टमाटर लिए थे, टमाटर के साथ हमने खड़े मसाले ऐड किए। खड़े आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो खड़े मसाले लिए हैं वो हमने डाला है। यहाँ पे दालचीनी और काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सभी चीजों और अदरक, इन सबका ये देखिए ये पेस्ट हमने बनाकर रखा है। मसाला देखिए आप चाहे तो मैंने बताया पाउडर भी डाल सकते हैं गरम मसाले का, और चाहे तो खड़े मसाले भी डालकर टमाटर के साथ इसका पेस्ट इस तरह से तैयार कर लें। अगर खड़े मसाले डालकर इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। खड़े मसालों का जो अपना अरोमा आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने ये थोड़े से कुछ खड़े मटर भी लिए, इनको हमने बॉयल करके रखा है। देखिए बॉयल करने में ये होता है कि आप जब बॉयल करें मटर को तो हल्की सी चीनी डाल दें। चीनी डालने से ये होता है कि मटर का जो हरापन होता है वो बना रहता है, ये थोड़ा सा जो येलोइश हो जाता है वो नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने चीनी डाल के इनको थोड़ा सा उबाल कर रखा है, देखिए हरा हरा ये बना हुआ है। तो देखिए कैसे बनता है।
है आप लोग कमेंट करिए। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो मैं इसे निकाल लूंगी। इसको लाल नहीं करना है, बस इसका जो कच्चापन है पनीर का वो निकल जाए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और फिर इधर एक हम दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। ये आयरन की कढ़ाई हमने ली है। इसमें जो है आप बनाए तो बहुत ही हेल्दी भी होता है, आयरन की जो बर्तन होते हैं उनको यूज करके, और टेस्टी भी बहुत लगेगा। तो ये देखिए, ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हमने अमूल का घी डाल दिया है। और इसको गर्म हो जाने के बाद इन मटर को हम पहले भून लेंगे। घी को गर्म हो जाने देते हैं। हेलो संदीप जी, कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करिए तो मुझे पता चले। देखिए घी गरम हो गया है, इसके बाद हम ये जो मटर का पेस्ट हमने बनाकर रखा था ये हम इसमें डालेंगे। और इसको हम भूनेंगे। नीम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और मटर को हमें भूनना है। और दूसरी तरफ हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं, जो जिस कढ़ाई में हमने पनीर को फ्राई किया था। ये देखिए इसमें अमूल का घी इसमें है अभी बचा हुआ, चाहे तो आप और डाल लें, चाहे तो इसमें में ही रहने दें। बिपिन जी जय जय श्री राम। और इसको हम बराबर इधर मटर को भी देखते रहेंगे। और घी गरम हो जाने पे हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हम ये ब्लैक पेपर भी खड़ी डाल रहे हैं, और ये तेज पत्ता। मटर है तो हींग तो जानी ही जानी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसके बाद ये हमने जो आपको मसाला बताया था टमाटर का, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बराबर भूनेंगे। और इधर हम मटर को भी देखते रहेंगे। और इसमें अभी हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे।
अब इसमें डालते हैं ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो हमने बताया आपको कि टमाटर के साथ ही हमने सारे खड़े मसाले भून लिए थे। ये देखिए इधर हमारा मटर भी भून रहा है। देखिए इसको जब तक भूनना है जब तक ये देखिए कढ़ाई छोड़ ना दे, ये देखिए भूनना ये शुरू हो रहा है, मटर का कच्चापन जो है वो निकल रहा है, कढ़ाई हमारी चिकनी हो रही है। और इधर मसाला भी हमारा भून रहा है। नमक स्वाद के अनुसार आप डालें। देखिए जनरली ये होता है कि ये निमोना जो है लोग इसमें आलू का यूज करते हैं। आप चाहे तो आलू भी इसमें डाल सकते हैं, ट्राई करके आलू भी डाल दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और चाहे तो पनीर भी, आपकी च्वाइस है कि आप क्या लाइक करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कढ़ाई देखिए कितनी अच्छी चिकनी सी ये हो रही है। और इधर हमारा मसाला भी भून रहा है। इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए, किनारे किनारे से आपको दिखेगा। अभी ये कच्चा है, थोड़ा सा हम और इसे भूनेंगे। देखिए जब मटर आपके यहाँ आए तो आप इसको जरूर बनाएं, बनाना भी आसान है और स्वादिष्ट तो बहुत होता है। मुझे कमेंट नहीं शो हो रहे हैं आप लोगों के। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सबको थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट हमारा ये मटर जो है ये भुनकर तैयार हो गया है। अब हम मसाले को इधर कर लेते हैं। खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले हैं बहुत ही उसकी अच्छी महक आ रही हमारे किचन में। तो मैं बताऊं इस तरह से आप खड़े मसाले जरूर इसमें डालें। रामू तोमर जी, मैं मटर का निमोना बना रही हूँ। ये
यूपी की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आजकल ये सर्दियों में जरूर ये बनता है सभी जगह। तो ये देखिए मसाले से घी जो है जो हमने डाला था वो रिलीज हो गया, देखिए आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ये जो मटर हमने भून के रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई कितनी साफ निकली है, कितना अच्छा ये मटर हमारा भूनकर तैयार हुआ है। और ये भी मटर के साथ और मसाले मिला दिया। अब ग्रेवी आप जैसी रखना चाहें, थिक या पतली, उसी तरह से आप इसमें पानी ऐड करें। चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा रहेगा, रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा थिक रहेगा। जैसा आप लाइक करें उस तरह से पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए मसाले और ये मटर वगैरह का। थोड़ा सा हम पानी इसमें और डालेंगे। मुझे चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा पानी हम और बढ़ाते हैं। और इसी के साथ ये हमने जो मटर बॉईल करके रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। हेलो कविता जी, अब इसको बॉईल हो जाने देंगे फिर हम ये पनीर इसमें डालेंगे। आप लोगों के यहाँ मटर आए तो ये जरूर आप बनाएं। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। और इसी के साथ ये जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था ये भी हम इसमें डालेंगे और इसके साथ इसको पका लेंगे। और इसमें चाहे थोड़ी सी हल्की सी खटास के लिए आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं और चाहें तो आमचूर पाउडर। यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा ही डालना है। हेलो शोभना जी, मैं बना रही हूँ मटर का निमोना। और इसमें ऊपर से हम अमूल का घी भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और भी निखर कर आएगा। तो ये देखिए ये सब्जी हमारी मटर का, हरे मटर का निमोना ये हमारा बनकर
तैयार हो गया। और इसे आप रोटी, पराठा, चावल, पूड़ी, मिसी रोटी, नान किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे लंच में बनाएं, चाहे तो इसको आप डिनर में भी बना सकते हैं। तो आज तो मेरे यहाँ डिनर इसी का होने वाला है, बस रोटी चावल बनाना है। बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी पनीर से इसको गार्निश कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो ये देखिए मटर का निमूना हमारा बनकर तैयार हो गया और आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइव जरूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली लाइव में किसी और रेसिपी के साथ। सभी को थैंक यू सो मच। और अमूल पेज का हम थैंक यू कहना चाहेंगे जो एक हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे अपना स्किल दिखाने का। तो सभी को थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।